guys, what up everybody? It's your boy Danny Z and back at it again with a new video, baby. Hey, what's up, Mr. G? ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਬੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ। सो ऑलराइट गाइस, आपको कैमरा सेटिंग बता देता हूँ। अगर आपके मोबाइल में 4K 60 FPS है तो आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करो, या फिर आप 1080p है तो आप उसके ऊपर रिकॉर्ड करो। जितना भी हाई रेट फ्रेम रहेगा ना, उसके ऊपर आप ज़्यादा करके रिकॉर्ड करो। और आप भी आपके पास आईफोन रहेगा ना, तो उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो वाइड एंगल लेके। या फिर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उससे भी आप वाइड एंगल करके रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास वाइड एंगल नहीं है तो आप थोड़ा सा बैक पीछे जाके ऊपर का पूरा व्यू दिखना चाहिए स्काई का, वैसे आप करके क्लिप ले सकते हो। अभी मैं आपको कैसे क्लिप एंड्रॉयड फ़ोन से लेते हैं वो आपको बताऊंगा। सो आप देखो ये वीडियो को बस था। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैमरा ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको ऐसे कुछ लोकेशन रहेगा, वहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर जो जिसका शूट करने वाले उसको बिठाने का है, एंड उसको खाली इस साइड से उस साइड मूव करने को बोलने का है बस, एंड ऊपर स्काई की तरफ देखने को बोलने का। इस वीडियो का ट्यूटोरियल मतलब वैसा ही है, तो वैसा ही बता रहे हैं। तो हम लोग अभी शूट करेंगे। आप सो ये नॉर्मल वीडियो है जो मैंने मेरे फ़ोन से निकाली है, एंड उसका पहले आपने देखा रहेगा कि कैसे शूट किया है। सो सिंपली शूट किया हम लोगों ने, एंड ये ऐसे कुछ वीडियो बनी है। उसके बाद अपन इसको VN एप्लीकेशन में लेके जाएंगे स्काई रीडिंग के लिए। तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, एंड सिंपली ये वीडियो ले लेंगे। उसके बाद आपको जहाँ से कट कर लेना है प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है, आप एडजस्ट कर लेना, मेरे को यहाँ से कट कर लेना है, एंड पीछे का भी डिलीट कर देना। उसके बाद आपको सिंपली इसका साउंड कम कर लेना है पूरा वीडियो का, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑडियो नहीं है। एंड उसके बाद आपको कुछ मैं ऐसा देने वाला हूँ, मीन्स दानिश जैन का जो वीडियो है वो देने वाला हूँ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। आप जिसने फॉलो नहीं किया जाओ जाके फॉलो कर देना, एंड ये वहाँ पे आपको मेरे से मांगना है, DM कर लेना है, तो ये आपको दूंगा। सो ये सिंपली आपके स्काई में लगा लेना है, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा रहेगा अभी। एंड आगे का थोड़ा पोर्शन कट कर लेना है ब्लैक, क्योंकि इसलिए, एंड ये स्काई में लगा लेना है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है स्काई में, एंड आपके हिसाब से आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। सो एंड आपको एडजस्ट कर लेना है आपका वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये स्काई में लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा वीडियो आपको प्रॉपरली। सो आपको इस वो वीडियो पे क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद आपको जस्ट सेकेंड ऑप्शन पे आना है, लास्ट के ऑप्शन पे आके मास्किंग के ऑप्शन पे आना है, एंड आपको मैं जैसा कर रहा वैसा कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है, दो एरो को खींच लेना है ऊपर से, तो आपको वो हल्का सा नीचे का लाइट पोर्शन हो जाएगा। ये देखो वापस से कर रहा हूँ मैं, अच्छे से देख लेना, एंड स्प्लिट कर लेना है आपको, एंड नीचे का जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद वो लाइन दिखना नहीं चाहिए आपको, वैसा आपको आप प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है आपके वीडियो में। एंड उसके अंदर ही साउंड है, वो जो वीडियो मैं दूंगा उसके अंदर ही साउंड है, तो साउंड के हिसाब से आपको कर लेना है। एंड उसके बाद आपको ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना है उसका, क्योंकि वो लाइन हटनी चाहिए पूरी की तरीके से, तो आपको ओपेसिटी भी कम कर लेना है थोड़ा सा, फिर वो लाइन प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगी आपके वीडियो से। फिर उसके बाद आपको जस्ट इतना प्रोसेस करने के बाद आपको सेव कर लेना है वीडियो को हाई रिजोल्यूशन पे। सेव होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट में यही जो सेव वाला वीडियो वो वापस से लाना है, एंड उसके बाद मैंने ये प्रॉपर कर लिया है, एंड यहाँ पे अभी ब्लिंकिंग आ रहा दिख रहा रहेगा, एंड फॉलिंग का ऑप्शन आ रहा रहेगा दिख रहा, तो वहाँ पे क्या कर लेना है, फॉल के ऑप्शन के पहले आपको कट कर लेना है वीडियो को, स्प्लिट कर लेना है कैची के ऑप्शन से, एंड उसके पहले के वीडियो को आपको ब्लैक ब्लैक वाला इफेक्ट लगाने है ऐसा वाला, क्योंकि स्काई भी ब्लिंकिंग हो रहा है तो अपनी वीडियो भी ब्लिंकिंग होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको
एडजस्ट कर लेना है, मीन्स वहाँ पे साउंड आ रहा रहेगा ऐसा करके, तो वहाँ पे आपको साउंड के हिसाब से उस कार के जो ब्लिंकिंग है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। सो ये बहुत इजी प्रोसेस बता रहा हूँ, एंड आपको अगर हार करने का है तो बहुत ही हार है वो, तो ये प्रोसेस थोड़ा इजी है इसलिए मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। एंड सेकेंड ऑप्शन पे मतलब सेकेंड क्लिप के आपको फॉल का ऑप्शन डाल लेना है, थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो वाला। तो ये देखो पहले ब्लिंकिंग आएगा उसके बाद फॉल आएगा, जिस फैम्ब्रू के पहले फॉल आएगा, तो फॉल आने के बाद फैम्ब्रू आएगा। तो ये वीडियो ऐसे आपको सेव कर लेना है और लास्ट में ब्लैक कर लेना है एंड सेव कर लेना है ऊपर से। सो ये वीडियो को देखो, अभी ब्लिंकिंग डालना है और उसके बाद डायरेक्टली फॉल डालना है। Everybody, it's your boy Danny Z, and back at it again with a new video, baby. Hey, what's up, Mr. G? ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉੱਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। सो अभी आपको कलर के कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। प्रीक्यूल एप्लीकेशन ओपन करना है, आपके पास नहीं रहेगा तो डाउनलोड करो, एंड ओपन करने के बाद आपको वो वाला क्लिप ऐड कर लेना जो आपने एडिट किया है। एडिट करने के बाद मीन्स कलर ग्रेड करने का, अभी अपने को प्रॉपर एडजस्टली आपको इजी तरीके से बताऊंगा मैं कैसे कलर ग्रेड करते हैं वीडियो को। सो आपको वीडियो ले लेना है, एंड वीडियो आने के बाद आपको जस्ट डायरेक्ट सेकेंड ऑप्शन पे फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा रहेगा। सो फिल्टर के ऑप्शन पे जाके मैं ये इसमें थर वाला जो ऑप्शन है फिल्टर का वो यूज़ किया है, वो बहुत अच्छा है। आपको मीन्स नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ पे आप देख सकते हो ना, आपका उसके फिल्टर के ऑप्शन पे आपको एडजस्टमेंट भी मिल जाएगा। तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कौन सा भी फिल्टर लगा सकते हो आपके स्काई के हिसाब से एंड वीडियो के हिसाब से ऊपर वाले। एंड उसके बाद आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे आके, मैं डश यूज़ कर रहा था ये वीडियो में तो इसलिए मैं डश लगा लिया। आप नीचे कौन से भी ऑप्शन लगा सकते हो वो आपके ऊपर है। सो मैं डश को के ऊपर टाइप करोगे तो आपको एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है एंड डस्ट ऑन करना है ऑफ करना है आपके ऊपर है। सो ये प्रॉपरली एडजस्ट करने के बाद आपको जस्ट थर्ड ऑप्शन पे आना है एडजस्टमेंट वाले, नीचे बहुत सारे आपको ये दिए रहेंगे। सो आपको एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से, एंड शार्पनेस का भी ऑप्शन है वहाँ पे, तो स्नैपनेस बढ़ा लेना है 25-30%। एंड उसके बाद आपको वहाँ पे वाइड एंगल का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा रहेगा, सो आपको जितना आपको चाहिए उतना वाइड एंगल कर सकते हो। एंड तो मैं बेसिकली 50 वाइड एंगल रखता हूँ, उसके ऊपर नहीं रखता हूँ, तो 50-100 आपके ऊपर है जस्ट जितना करने का है। एंड जस्ट ऊपर सेव का ऑप्शन है, एरो दिख रहा रहेगा ऊपर बॉक्स में, एंड आपको कौन से भी नीचे से पूरा वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड ऊपर के ऑप्शन पे सेव करके आपको कुछ ऐसे प्रोसेसिंग दिखाई देगा, जिस प्रोसेस होने के बाद आपको अलग कुछ ऐसा दिखाई देगा वाइट में। सो नीचे फर्स्ट वन ऑप्शन है, मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप सेव का ऑप्शन है तो वहाँ पे सेव कर सकते हो, एंड वो वीडियो डायरेक्टली गैलरी में आ जाएगी।